नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे रचनाएं, अभ्यास 10 आपका पढ़ रहे रचनाएं। तो दोस्तों आपको बता दें कि रचनाएं आपको यहाँ पे बताएंगे तो आप बहुत बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपकी रचनाएं के लिए हमने दूसरा सेटअप तैयार किया है, जिसमें आपको हम कॉपी पे ही बताएंगे आपको रचना कैसे करनी है। बाकायदा आपको स्केल से नाप नाप के एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी रचना करना तो आपको चुटकियों में आ जाएगा, आप रचना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं सीधा आपको दूसरे सेटअप पे लेके चलते हैं और वहाँ आपको हल करवाते हैं, आपका रचना करवाते हैं, आपका जो आपका रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके उसी स्टूडियो में जहाँ पे आपको रचना करना बताया जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कॉपी कलम लेके बैठिए, साथ में चादा प्रकार जितना भी होता है, पटरी वगैरह जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं बनाने के लिए, वो रचना के लिए आप लेके बैठेंगे और रचना आप खूब आसानी से समझेंगे, खूब ध्यान। हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो देखिए आपका चतुर्भुज की रचना है। हम लोगों का इकाई 10 चल रहा है, जिसमें हम लोग चतुर्भुज की रचना करना, जबकि देखिए 4 भुजाएं वाला पढ़ चुके हैं, 3 भुजाएं तथा 2 विकर्ण दिए गए हों ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण तथा अन्य 2 कोण दिए हों ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3 भुजाएं और 2 मध्यस्थ कोण दिए हों, ठीक है ना। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अगर अभी तक आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो पीछे का वीडियो जाके देखिए, क्योंकि उसमें हमने आपको चतुर्भुज जितने प्रकार का होता है, जो जो चीज़ें होती हैं चतुर्भुज में वो सब बताया है। तो देखिए 10 अभ्यास 10 ए भी हो गया है, अभ्यास 10 बी भी समाप्त हो गया है, अभ्यास 10 सी तथा अभ्यास 10 डी ये सब समाप्त कर चुके हैं। आज जो हम आपका शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे अभ्यास 10 ई, ठीक है ना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आपका अभ्यास 10 ई का। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए हम रचना बनाएंगे आपको यहाँ पे करके पूरा एकदम बाकायदा कैसे कैसे बनता है, वैसे ही पूरा पटरी प्रकार से नाप के। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठे जहाँ पटरी प्रकार नहीं, तो आप सबसे पहले पटरी प्रकार पेंसिल ये सब ले लीजिए, उसके बाद इसको लगाना शुरू करिए। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन अभ्यास 10 ई। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर, देखिए अभ्यास 10 ई कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए, जबकि ए बी बराबर 4.2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 30 डिग्री और कोण सी बराबर 150 डिग्री 150 डिग्री। तो दोस्तों देखिए इसमें हम लोग चतुर्भुज की रचना है, जबकि 3 भुजाएं और 2 मध्यस्थ कोण यहाँ थो, ठीक है ना। 3 भुजाएं और 2 मध्यस्थ कोण, तो 3 भुजाएं देखिए आपके इसमें क्या दिया गया, क्वेश्चन जो आपका वहाँ पे है ये क्वेश्चन ना आपका, देखिए 3 भुजाएं 1, 2, 3 भुजाएं दी गई और 2 मध्यस्थ कोण दिया गया, ठीक है ना। और नापने को बोला कि ए डी को नापिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आपका रचना करना, कैसे कैसे बनेगा ये हम आपको बताते हैं और आप आसानी से उसको करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी बराबर 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 4.2 सेंटीमीटर ए बी खींच लेंगे। तो ये पटरी लेते हैं, यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर देखते हैं कहाँ जाएगा। चलिए देखिए 4 यहाँ जा रहा है, यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ देखिए 4 और 4.2 यहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे ऐसे खींच लेंगे। इनका नाम क्या दिया गया है, ए बी का नाम जो हमारा दिया गया वो दिया गया है, देखिए ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, ये कितना हो गया 4.2 सेंटीमीटर का, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए कह रहा है बी सी बराबर जो हमको दिया गया 3.6 सेंटीमीटर का दिया गया, लेकिन एक चीज़ बताइए दोस्तों, बी सी बराबर 3.6 सेंटीमीटर का दिया गया और उसके बाद देखिए सी डी जो है 4.8 सेंटीमीटर दिया गया, सी डी 4.8 सेंटीमीटर दिया गया। तो इससे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए बी दिया गया है, दिया गया ना। अब देखिए हम लोग ए बी से ही बिंदु बी से 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि देखिए हमको जो जो दिया गया हम यहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए ए बी बराबर हमको दिया गया है ए बी बराबर 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ऐसे आप भी लिख सकते हैं, वहाँ पे ए बी बराबर हो गया 4.2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर हो गया हमारा 3.6 सेंटीमीटर हो गया, सी डी बराबर जो हमारा हो गया 4.8 सेंटीमीटर हो गया, और देखिए कोण बी जो है वो हमारा हो गया 30 डिग्री और कोण सी बराबर जो 150 डिग्री हो गया। अब देखिए हमको पता क्या करना है, ए डी का माप भी बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इतनी चीज़ें दे दी गई हैं, अब एकदम ध्यान से देखिए क्या करना है, ए बी बराबर 4.2, तो ए बी बराबर 4.2 हम लोगों ने क्या किया खींच लिया। अब देखेंगे बी सी बराबर 3.6, तो बी सी ए बी सी इधर ही कहीं आएगा, तो 3.6 कह रहा है, लेकिन सी पे कोण भी तो है 150 डिग्री का कोण है कि नहीं। और देखिए एक चीज़, और बी पे भी कोण है 30 डिग्री का, तो हम लोग इस बी पे कोण बनाएंगे कितने डिग्री है 30 डिग्री का। चलिए आइए, आप चाहें तो प्रकार से भी बना सकते हैं, तो 30 डिग्री कोण बनाएंगे, ऐसे नापेंगे यहाँ पे और इधर से देखेंगे,
तो 30 डिग्री कोण हमको कहाँ मिल रहा है, 10, 20, 30, 30 डिग्री कोण यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हमको 30 डिग्री का कोण मिला है यहाँ पे, तो क्या करेंगे दोस्तों, जब 30 डिग्री कोण मिलेगा तो इसको डॉटेड आप मिला सकते हैं, हल्का डॉटेड आप क्या करिए मिला दीजिए यहाँ से, ऐसे डॉटेड मिला दीजिए, पेंसिल से करना है आपको, हम पेन से कर रहे हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए। अब देखिए आपका जो BC दिया गया है, BC आपका 3.6 दिया गया ना, तो अब आप पटरी में क्या करेंगे, 3.6 नापेंगे, देखिए पटरी 3.6 नापते हैं, यहाँ पे रखते हैं और यहाँ ये देखिए 3.6, ठीक है ना, 3.6 ये हमारा हो गया। अब B पे रखते हैं और 3.6 पे क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं, ठीक है ना। तो 3.6 हमारा कहाँ आया, यहाँ इस बिंदु पर आ गया। अच्छा, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, ये AB और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो दोस्तों ये BC हमारा कितना हो गया, 3.6 सेंटीमीटर का हो गया, देखिए 3.6 सेंटीमीटर का हो गया। आप चाहे इनको मिला भी सकते हैं, तो ये लीजिए हम इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, हमारा BC हो गया, यहाँ लिख देते हैं 3.6 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा ना। अभी देखिए CD दिया गया, CD पता है, लेकिन देखिए अगर DC पर कोण दिया है 150, तो C पर अगर कोण 150 दिया गया है, तो इसी C पर हम लोग क्या करेंगे, 150 डिग्री का कोण बनाएंगे, तब ना C को हम B और ये देखिए C और D को 4.8 खींचेंगे। तो चलिए आइए C पर क्या करते हैं, 150 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो C पर कोण बनाने के लिए यहाँ पे रखिए प्रकार इस तरीके से, चादे को यहाँ रखिए, 150 डिग्री देखना है, तो इधर से देखेंगे, देखिए यहाँ से लेके आएंगे 100 या 90 हो जाएगा, 110 ये 150 डिग्री यहाँ बन रहा है, यहाँ पे 150 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको डॉटेड पहले मिला देंगे, कितना डॉटेड मिला देंगे, देखिए ये डॉटेड हो गया, ठीक है ना। अब डॉटेड तो मिला दिया, अब हमको सी और डी का माप दिया गया, CD बराबर 4.8 सेंटीमीटर दिया गया, तब क्या करेंगे, 4.8 सेंटीमीटर का नापेंगे, देखिए 4.88 यहाँ पे है, 4.8 यहाँ से, देखिए 4.8 यहाँ से माप लिया हमने, माप में गलती मत करिएगा। अब क्या करेंगे, इसी बिंदु पे रखेंगे उसको, 4.8 यहाँ पे चाप लगा देंगे, देखिए 4.8 में हमको एक पॉइंट मिल गया, ये हमारा ये पॉइंट मिल गया, तो ABC और ये हमारा कितना हो गया, D हो गया, D बिंदु हो गया। और ये हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ये जो डॉटेड लाइन है इसको मिला देंगे अच्छे से, ये देखिए हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है दोस्तों। और देखिए क्या हो गया, हमारा AB हो गया, BC हो गया, अब देखिए CD हमारा 4.8 हो गया, तो इन्हें 4.8 सेंटीमीटर CD हो गया। और क्या दिया गया, AD नाप के बताना है। अब यहाँ देखिए हम लोग B पे कौन सा कोण बनाया, 30 डिग्री का, तो हम लोग लिख देंगे कितना, 30 डिग्री का, और C पे हम लोगों ने कितना कोण बनाया, 150 डिग्री का, तो यहाँ लिख देंगे 150 डिग्री का कोण, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग A और D को क्या करेंगे, मिला देंगे, और AD का माप भी बताना है, तो A और D को क्या कर रहे हैं हम लोग, मिला दे रहे हैं, देखिए AD को हम लोग मिला दे रहे हैं, ये देखिए AD को हमने क्या किया, मिला दिया। अच्छा, AD को जो हम लोग मिला दिए, तो देखिए हमारा ये कितने डिग्री का, ये कितना अंश का हो रहा है, देखिए ये तो हो गया हमारा। अब देखेंगे ये कितना हो रहा है, इसका नाप हमसे पूछा ना, AD का माप बताइए, तो AD को नापेंगे हम लोग, AD हमारा देखेंगे हम लोग 4.2 का, देखिए 4.2 का आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, AD हमारा कितने का हो गया, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर AD के स्थान पर हम लोग लिख सकते 4.2 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल गया दोस्तों। समझ में आया, रचना समझ में आई आप लोगों को, रचना अच्छे समझ में आ गई। देखिए ये 30 है, ये देखिए ये वाला कोण हम लोग आगे पता कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये 4.2 है, ये भी 4.2 है, ठीक है, ये 3.6 और ये 4.8 है, तो ये आपका बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, तो यहाँ रचना देखिए, यहाँ इस साइड में यहाँ पे आपको रचना दिख रही है, आप यहाँ से देख के रचना, आप यहाँ से देख के पूरा का पूरा रचना लिख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से समझाने का आपको जब एक फ़ायदा मिलेगा कि हम लोग पटरी से ये जो बना रहे हैं आप आसानी से खुद की कॉपी में ऐसे बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, चतुर्भुज PQRS बनाइए, जिसमें PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 2.5 सेंटीमीटर, RS बराबर आपका 4.1 सेंटीमीटर दिया गया है, तथा कोण देखिए आपका कितना दिया गया, कोण Q बराबर दिया गया 75 डिग्री, कोण R बराबर दिया गया 120 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और PS का नाप हमको क्या करना है, बताना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, PQ हम लोग क्या करेंगे 3.5 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। चलिए सबसे पहले PQ 3.5 सेंटीमीटर का खींचते हैं,
देखिए पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर का, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, और ये कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ये मत भूलिएगा लिखने का, ठीक है ना। चलिए अब क्या कर रहे हैं, क्यू पर कोण 75 डिग्री का, तो सबसे पहले कोण बनाएंगे क्यू पर 75 डिग्री कोण बनाएंगे। तो देखिए 75 डिग्री कोण यहाँ से लगाएंगे और 75 डिग्री कोण 75 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। इसको पहले डार्टेड क्या करेंगे, मिलाएंगे डार्टेड, याद रहे ये कन्फर्म नहीं है, डार्टेड ही मिलाएंगे, बता दे रहे पहले ही, गलती मत करिएगा, तुरंत ही मत मिला दीजिएगा, ठीक है। ये कोण आपका कितने का बन गया, 75 डिग्री का, यहाँ लिख सकते हैं आप 75 डिग्री। अब देखिए PQ हो गया क्यू आर, देखिए 2.5 सेंटीमीटर, क्यू आर पी क्यू आर इधर ही कहीं आएगा, तो आर कितना 2.5 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे पटरी में पहले 2.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ 2.5, तो अब क्या करेंगे क्यू से 2.5 पर एक चाप खींचेंगे, ये चाप भी हो गया हमारा। अब क्या करेंगे यहाँ इसको मिला देंगे, देखिए तो ये पी क्यू और ये क्या हो गया हमारा आर हो गया, आर बिंदु मिल गया ना हमको। अब देखिए और क्या कह रहा है, आर पर कोण 120 डिग्री का बनना चाहिए, तो अब आर पर कोण बनाएंगे 120 डिग्री का, देखिए आर पर रख दिए, अब आर पर कोण कितना बनेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे इसको भी डार्टेड मिलाएंगे, पहले डार्टेड लाइन द्वारा इसको पहले मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए ये डार्टेड लाइन द्वारा इसको मिला दिया। अब देखिए नाप भी दिया गया हमको, आर एस मतलब पी क्यू आर और यस, यस इधर ही कहीं आएगा ना, तो यस को क्या करेंगे 4.1 सेंटीमीटर, तो 4.1 सेंटीमीटर का नापते हैं पहले, यहाँ देखिए माप दिया गया, हम लोग चाहे यहाँ से नाप सकते हैं 4.1 सेंटीमीटर, यहाँ रख के इस पे से यहाँ तक का, ठीक है दोस्तों। चाहे इस पे भी नाप लीजिए, 4.1 का होना चाहिए, ये एक का और ये चार का, देखिए 4.1 का हो गया ना। अब आर पर रखेंगे प्रकार को और यहाँ इस पर चाप लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए हमको कहाँ बिंदु मिल गया, यहाँ मिल गया, ये हमारा पी क्यू आर और ये हमारा क्या मिल गया, यस मिल गया। देखिए हमको कोण जितने जितने का दिया था, क्यू पे 75 डिग्री का, आर पे 120 डिग्री का, तो ये 120 डिग्री का हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको मिला देंगे, क्योंकि नाप हमको पता लग गया, अब इसको क्या करेंगे पूरा मिला देंगे, इसको मिला देंगे। अब देखिए हमको पी एस पूछा है, तो पी एस को भी क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे, पी और यस को ये क्या किया हम लोगों ने मिला दी, हाँ। और नापने के बोला कि पी एस नापिए, तो पी एस देखेंगे हम लोग दोस्तों कितना आ रहा हमारा, देखिए यहाँ पर जो हम लोग नाप रहे हैं, तो हमको यस और पी, यस और पी देखिए कितना मिल रहा है, यहाँ से नापेंगे ये मिल रहा है हमको 3.8, लगभग 3.8 के लगभग मिल रहा है, देखिए 3.8, हाँ ठीक। तो इसको क्या लिख देंगे 3.8 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 3.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए आपका सभी नाप मिल गया, ये हमारा कितना था आरएस, आरएस देखिए हमारा कितना 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका चतुर्भुज बन के तैयार, बाकी रचना आपको लिखना है, तो आप रचना यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा है रचना, आप यहाँ से रचना आप नोट कर सकते हैं कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चतुर्भुज एबीसीडी बनाइए जिसमें ए बी बराबर बी सी के और बी सी बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, मतलब ए बी और बी सी दोनों क्या है 3 सेंटीमीटर के हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा, ए बी बी सी दोनों क्या है 3 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है ना। और ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर दिया गया 90 डिग्री तथा कोण बी बराबर 105 डिग्री। तो चलिए आइए ज़्यादा देर न करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी खींचेंगे 3 सेंटीमीटर का, तो यहाँ ए यहाँ बी, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का, इसका नाम ए लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे बी, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। 3 सेंटीमीटर का ये हो गया। अब देखिए ए डी का माप 5 सेंटीमीटर दिया गया, ए पे हमको कोण 90 डिग्री का बनाना है, तो हम क्या करेंगे ए पर कोण बनाएंगे 90 डिग्री का, ठीक है ना, और बी पर कोण 105 का। तो चलिए क्या करते हैं अभी बी सी बनाते हैं, क्योंकि ए बी हो गया, अब बी सी बनाते हैं, बी सी 3 सेंटीमीटर लेकिन बी पर कोण कितना 105 का, तो बनाते हैं बी पर कोण 105 का। देखिए यहाँ पे बी वाला पड़ा, बी वाला 105 का, देखिए 100 यहाँ हो जाएगा, 105 यहाँ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इधर से देखते हैं ना, तो ये 90 100 105 यहाँ पहुँचेगा दोस्तों। तो क्या करेंगे इसको डार्टेड हम मिला देंगे, डार्टेड ही मिलाएंगे। चलिए देखिए ए और बी पता लग गया, और ये हम कितने डिग्री का बना दिए 105 डिग्री का, तो 105 डिग्री का
ये हो गया। अब देखिए बी और सी का माप दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर नापेंगे यहां से, ये रहा यहां से 3 सेंटीमीटर हमारा यहां पड़ता है, ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर पे हम चाप लगा देंगे, ये चाप लगा दिए। अब इनको क्या करेंगे मिला देंगे, तो ए बी और ये हमारा हो गया सी, ये हमको कौन सा बिंदु मिला सी बिंदु मिल गया। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए कोण बी पर जो है हमको कितना 105 डिग्री का कोण बनाना है, तो बी पर तथा ए डी का माप भी हमको दिया है, तो कोण बी पर हम क्या करेंगे 105 डिग्री बनाएंगे। देखिए यहाँ बी पर हमारा 105 हो गया, कोण ए पर 90 डिग्री का बनाना है, तो ए पर देखिए 105 तो बन चुका है ना दोस्तों, तो हम कोण ए पर कितना बनाएंगे 90 डिग्री का बनाएंगे, क्योंकि ए डी का माप देना है तो ए डी का इधर ही जाएगा, ए बी सी डी इधर जाएगा, तो ए डी का माप देना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग ए पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, तो ए पर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री यहाँ मिला दोस्तों, तो इसको पहले क्या करेंगे एकदम डार्टेड मिलाएंगे, कैसे डार्टेड, गलती मत करिएगा, सिर्फ डार्टेड लाइन ही ले जाना है, और ये 90 डिग्री का मतलब समकोण यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। देखिए अब हमको ए डी का माप 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर मापते हैं यहाँ पे, यहाँ रखें और यहाँ से 5 सेंटीमीटर नापे, यहाँ पे पहुँचा, तो अब यहाँ से क्या किया दोस्तों हमने, हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर पे चाप लगा दिया। अब क्या करिए सब मिला लीजिए, चलिए ये हमको मिल गया ए बी सी और ये हमारा बिंदु मिल गया डी, क्या करेंगे इनको मिला लेंगे, चलिए ये मिला दिया ए से और इसको भी मिला दिया सी से मिला दिया, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हमारा ए बी बराबर हमको कितना दिया 3 सेंटीमीटर था, बी सी बराबर भी क्या था हमारा 3 सेंटीमीटर, और हमको कोण ए जो 90 डिग्री का बी, अब ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए डी हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अगर हमसे इसका नाप पूछता, डी सी का नाप पूछता, तो इसको भी नाप लीजिए कितना हो जाएगा 4.3, लगभग 4.4 के आ रहा है, 4.3 सेंटीमीटर, ठीक दोस्तों ये हमारा बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों अब ये तो हो गया हमारा, अब हमको क्या करना है रचना करना है, तो रचना दोस्तों ये साइड में लिखा है, आप यहाँ से रचना लिख सकते हैं अच्छे से, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके इस अभ्यास का अभ्यास 10E का लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए, जिसमें कोण क्यू बराबर 135 डिग्री, कोण आर बराबर 90 डिग्री, क्यू आर जो क्यू आर देखिए इतना 90 डिग्री हो गया, उसके बाद देखिए कह रहा है 135 हो गया और कोण 90 हो गया, कि आर बराबर देखिए कितना दिया गया है 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो चलिए और क्या कह रहा है, क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद पी क्यू हमारा 9 सेंटीमीटर, पी क्यू जो है वो 9 सेंटीमीटर है, और आर या हमारा जो है वो 7 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज की रचना करना है, 3 भुजा दिया गया है, देखो 3 भुजा दिया गया है और 2 कोण दिया गया है, और हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम लोग क्यू आर निकालते हैं और ये 5 सेंटीमीटर खींचते हैं, तो यहाँ बनाते हैं क्यू आर 5 सेंटीमीटर का। तो देखिए दोस्तों ये हो गया, ये हमारा 0 और ये हो गया 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से हमने एक लाइन खींचा, रेखाखंड खींचा, इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे क्यू आर। वैसे हमको पी क्यू आर बनाना है ना, तो हम लोग को पी क्यू बनाना था, लेकिन कोई बात नहीं आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको क्यू और आर हमको जो कोण दिया गया ना, तो हम क्या करेंगे देखिए, एक दिया गया 35 डिग्री, 135 और एक 90 डिग्री दिया गया। हम लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि आप 45 डिग्री उसके बाद 90 डिग्री बनाइए, ठीक है ना, लेकिन क्या करेंगे हम लोग 90 और 45 भी बना सकते हैं, तो हमारे पास चादा है, तो हम लोग क्या करेंगे चादे से इसको बनाएंगे। देखिए आर पर हम लोग 90 डिग्री कोण बनाएंगे, क्योंकि कोण आर दिया गया 90 डिग्री, तो आर पे हम लोग बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। ये लीजिए आर पर 90 डिग्री कोण बन गया, हम इसको क्या करेंगे डार्टेड लाइन से मिलाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, डार्टेड लाइन के अलावा मत मिलाइएगा पहले, नहीं तो पहले ही गलत कर देंगे। ये आपका बन गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री कोण क्या होता है समकोण होता है, इसीलिए इस बॉक्स नुमा बनाया जाता है इसको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको आर एस दिया गया, कहीं क्यू आर एस, आर एस देखिए हमको दिया गया 7 सेंटीमीटर का, तो हम 7 सेंटीमीटर नापेंगे और यहाँ चाप लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या करते हैं आर 7 सेंटीमीटर नापते हैं, ये 7 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये हुआ ना। क्या करते हैं यहाँ से 7 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या करते हैं चाप लगाते हैं, देखिए 7 सेंटीमीटर, थोड़ा सा इसको और डार्टेड बढ़ा लेंगे, क्योंकि चाप लगाने पर वो उससे ज़्यादा चला गया जहाँ तक जाना चाहिए था। तो यहाँ हो गया ये हमारा क्यू आर और ये हमारा बिंदु हो गया यस, इसको क्या करेंगे मिला लेंगे हम लोग, आर एस को हमने क्या किया मिला लिया। देखिए क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर, आर एस हमारा 7 सेंटीमीटर, लेकिन 7 सेंटीमीटर
मीटर। ठीक दोस्तों, अभी देखिए क्या कह रहा है, क्यू पर देखिए, क्यू पर भी कोण बनना है 135 का, आर पे हमारा 90 डिग्री बन गया, क्यू पर बनाएंगे 135 का। तब देखिए क्या करेंगे, क्यू पर 135 डिग्री कोण बनाते हैं, क्यू पर 135, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 90, 100, इधर 130 और 135 यहाँ पे बन रहा है। ठीक दोस्तों, क्या करेंगे, इनको डॉटेड मिलाएंगे, डॉटेड लाइन खींचिए इसे, इस तरीके से खींच दिया, ये कितने डिग्री कोण बन गया, 135 डिग्री का, 135 डिग्री कोण बन गया। ठीक है दोस्तों, अभी हमको नाप कितना दिया गया, देखिए क्यू, देखिए क्यू आर एस, तो पी क्यू का नाप कितना हमारा, पी क्यू 9 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे हम लोग 9 सेंटीमीटर नापेंगे। देखिए यहाँ हो रहा है 9 सेंटीमीटर यहाँ पे, और बढ़ाना पड़ेगा हमको, ये देखिए यहाँ पहुँचा 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चाप लगाएंगे यहाँ पे। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे और उसको मिला भी देंगे इसी वक्त। ठीक है, चलिए यहाँ मिला ना, यहाँ ये हमारा हो जाएगा पी, पी बिंदु हो गया, क्या करेंगे इनको मिला देंगे, ये 135 डिग्री हो गया ना। देखिए ये 5 और ये 7 और ये कितना हमारा 9 सेंटीमीटर लिख देंगे, 9 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे दोस्तों, पी और एस भी हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे, पी एस को हम लोग जब मिला लेंगे, लगभग 11:30 पहुँच रहा है, पी एस का नाप नहीं पूछा, अगर नाप पूछता तो हम लोग बता देते हैं 11.5। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए, ये आपका चतुर्भुज बन के तैयार हो गया। ठीक दोस्तों, सबका नाप दिया गया, जिसका इसका दिया गया, पूरा बन गया। देखिए तो ये हमारा बन के तैयार है, क्या कहते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना की है, ये हमारा पी क्यू आर एस बन गया। अब रचना जो अगर आपको करना है तो रचना आप यहाँ साइड में देख रहे हैं, इसको देख के आप रचना लिख सकते हैं। दोस्तों बनाना आना चाहिए, आप जरूरी नहीं इसी तरीके से बनाइए, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, 5 से 9 से 7 से कहीं से भी शुरू करिए, बस ध्यान रखिए जितना भी आप बनाएंगे खूब आसानी से पूरा नाप एकदम बढ़िया से एक्यूरेट, और पेंसिल जो आपका शार्प होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक मोटा हो जाए एक पतला हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, सब क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, खूब अच्छे से नुकीला पेंसिल होना चाहिए, मतलब प्रकार भी होना चाहिए, चांद वगैरह सब कुछ होना चाहिए, और अच्छे से सब बनाना एकदम समतल पर, ऐसे रख के जिस तरीके से हमने रखा है समतल पर, ऐसे रख के आपको बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कैसे कैसे आपको रचना करना है ये भी समझ में आएगा, रचना करना अगर नहीं समझ में आया तो आप जाके सबसे पहला 10A और 10B जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने खूब अच्छे से रचना करना बताया, कैसे कैसे आप लोगों को रचना लिखनी है, बाकी रचना साइड में है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पर नए आए हैं, चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर नए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चलिए दोस्तों बाय बाय। हाँ तो दोस्तों आपने देखा, आपको सारी रचनाएं समझ में आई, उम्मीद करते हैं रचनाएं समझ में आएंगी, रचनाएं समझ में आ गई हो सारी, आपको दिमाग में आपके घुस गया हो, खूब बढ़िया से रचना करना आ गया हो, तो अब आप क्या करिए, अगर वीडियो पे नया हो तो वीडियो को अभी जस्ट लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नया हो तो, क्योंकि हम सारी रचनाएं आपको बताएंगे, आप रचना करना जान जाएंगे, आपको रेखागणित बहुत ही आसानी से आने लगेगा, बहुत लोग इन सब चीजों से डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से लाइक करिए और चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।